शक्ति में होती है शक्ति। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो एंड अदर अपडेट के साथ भाई आ चुका है संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जहां पे आज आपको दिखाएगा भक्ति में होती है शक्ति। उत्तर प्रदेश वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो बागेश्वर बालाजी महाराज है उनका भव्य कथा समारोह जो चलाया जा रहा है उसका अपडेट आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। और जैसा कि मैं बता दूँ, मेरा एक पिछला वीडियो है जो देखे होंगे आप, तो उसका भी आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं भक्ति में कितनी होती है शक्ति संपूर्णानंद विश्वविद्यालय प्ले ग्राउंड मैदान में जो बागेश्वर जी बालाजी महाराज का जो भव्य कथा समारोह जो चलाया जा रहा है उसका लेटेस्ट अपडेट आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और इसके पीछे जो है प्ले ग्राउंड मैदान जहाँ पे कराया जा रहा है भव्य कथा समारोह। तो आइए चलते हैं, बैक कैमरे से आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपडेट दे दूं दोस्तों, आप अगर रोड से आएंगे तेलियाबाग से जो आएंगे आप वहाँ से मेन रोड में लास्ट में आपको दिखा दूंगा, तो देख सकते हैं इधर ये रोड जो रूट मार्क इधर का जो गेट है अभी तो फाइनली बता रहे हैं यहाँ पे लोग कि भर गया है, बंद चल रहा है। तो आइए चलते हैं आपको दूसरे गेट से आपको लेके चलते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूँ आप लोगों को, काफ़ी भीड़ है इसके वजह से सारा देखते हैं रूट मार्क बंद हो गया है। तो आइए चलते हैं आगे, आगे चल के आपको देते हैं लेटेस्ट अपडेट, देखते हैं आगे चल के हम फील्ड में पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। तो वीडियो बने रहेगा लास्ट तक। भाई आपको आज आ चुका है यहाँ पे, तो दर्शन तो जरूर ही कराएगा। तो मित्रों, जैसा कि मैं आप लोग को दिखा दूँ, काफ़ी दूर से मेन गेट से सीधा यहाँ पे आना बहुत काफ़ी, क्योंकि मैं 1 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हैं हम लोग। तो फाइनली देख सकते हैं उस प्ले ग्राउंड मैदान में भाई आपका आ पहुँचा है, जहाँ पे भव्य कथा का जो समारोह चलाया जा रहा देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है अभी, जो महाराज जी यहाँ पे हैं अभी फ़िलहाल में, और जो कथा जो है चल रही है। तो आइए चलते हैं पास में, देखते हैं सामने से दर्शन हो पाती है या नहीं हो पाती है, उसका आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और प्ले ग्राउंड मैदान में आप कुछ भक्तों से भी बात करेंगे और आपको यहाँ का जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक, देखते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो मित्रों, जैसा कि मैं सामने दिखा दूँ, काफी भीड़ है, इस गेट जो है आगे लगा हुआ है। तो मित्रों, जैसा कि बता दूं, बहुत ही कठिनाई और बहुत ही मुश्किल और परेशानियों का सामना करने की वजह से बाबा की कृपा हुई, और देख सकते हैं फाइनली भाई आपका जो टेंट के पास आ पहुंचा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी इसके अंदर भक्ति है, जो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोग को। इधर लोग जहाँ जिसको जहाँ मौका मिला वह बैठ गया है। है ये घर पर रखना बाद में दोस्तों। फाइनली सामने आपका भाई इस टाइम दिखा रहा है, देख सकते हैं महाराज जी सामने बैठे हुए हैं सामने आपको। जैसा कि मैं दिखा दूं आप लोग को, अभी ये जो सिर पर रुमाल बांधे आए हैं इनको बैठा दीजिए, इनको नहीं आना है, पीछे से आ रहे हैं वो तौलिया बांधे हैं, काला मास्क मुंह पर लगाए हैं। देख सकते हैं दोस्तों फाइनली भगवान की जो तौलिया बांधे हैं उनको आने दीजिए। सामने से दर्शन हो रहा है, सीधे से दिखा दें आप लोग को, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग सामने से डायरेक्ट। नहीं आप नहीं, आप बैठ जाओ। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं सामने सीधा अगला भेजो। बस
कहाँ से आए हो? काशी से, लोहता से। ओ नजदीक आओ, काशी के वासी हो? बहुत मेहनत करता हूँ और सबके लिए अब सोचता हूँ, अच्छा ही सोचता हूँ। परिवार में विघ्न बना, आप हैरान हैं, स्ट्रेस बनता, कलेश शांत होगा, आशीर्वाद है, उन्नति सभी की होगी, आप चिंता ना करें, हनुमान जी के भक्त हैं, दरबार से जुड़े रहें, भोले बाबा ऐसी कृपा करेंगे, हनुमान जी ऐसी कृपा करेंगे कि पूरा परिवार एकजुट होकर आगे चलेगा, आशीर्वाद। नीचे की लाइन पढ़ लो। खुश आदि के खुश रहो, उसके लिए उसे लेकर आओ, जब उसकी अर्जी लगेगी उसे बैठना है। चलो गाड़ी चला दिया और उसकी अर्जी लगेगी भाई की, तो बैठा है ना, खुश रहो, हाँ भक्ति करो, पांच पांच लोग हनुमान चालीसा के करो, तुम बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर रख लेते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हो, दिमाग पर मत रखो, मंत्र का जाप करो। हमारा निवेदन है सभी लोग मास्क का उपयोग जरूर करें, मास्क का प्रयोग सभी जरूर करें, ये हमारा निवेदन है। उसके बाद फिर से तो देख सकते हैं यहाँ पे महाराज जी यहाँ से अभी जाएंगे। जय तो जैसा कि आप लाइव जो देख पा रहे हैं ये सीधा प्रसारण है, देख सकते हैं अभी शाम को फिर बालाजी महाराज यहाँ पे सरकार जी महाराज की जो होगी कथा फिर शाम को होगी, देख सकते हैं। Wow.
पूरा घेराव किया गया है जो कि ताकि पूरी सुरक्षा की जा सके, पूरी सुरक्षा की गई है महाराज जी का। इस कदर दस कदर पूरे नज़ारे जो है आप देख पा रहे हैं सामने से, जो की पूरी व्यवस्था, पूरी सुरक्षा, पूरी शरारती जो की गई है वो आप देख पा रहे हैं सीधा सामने से। और जाओ पीछे चलिए। जैसा कि दोस्तों ये नज़र आप देख पा रहे हैं महाराज जी के जाने के बाद, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ जो है अपने प्रस्थान कर चुकी है, अपने होटल पे जाएंगे अपने, ताकि फिर शाम को जो महाराज जी का मिलेगा कथा शाम को फिर चार आएंगे लोग, काफ़ी भीड़ फाइनली दोस्तों देखे ये था महाराज जी का कथा, और ये पूरा नज़ारा जो देखे जो समुरा ने सभी विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय फील्ड में आप लोग देखे जो काफ़ी, अभी तो महाराज जी चले गए और ये देखते हैं भीड़ अभी काफ़ी उमड़ के जो चल पड़ी है रोडों पे, और लोगों को अपने अपने घरों जा रहे हैं, फिर शाम को 4 बजे फिर होगा चालू। तो यहीं से भाई करता है वीडियो क्लोज और आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम, बम बम भोले, जय सीताराम।